हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर वॉलपेपर चेंज कराने हो तो कैसे चेंज करा सकते हैं, सैमसंग के फ़ोन के अंदर वॉलपेपर को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर को चेंज कराना चाहते हैं तो कैसे करें। इसके लिए वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर वॉलपेपर को चेंज करा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको वॉलपेपर चेंज करने के लिए चलना होता है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन में मिल जाता है वॉलपेपर। सिंपली हम उस पर क्लिक कर लेते हैं, माई वॉलपेपर पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप माई वॉलपेपर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं वॉलपेपर, बहुत सारे मिलते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने ये वाले वॉलपेपर को चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे और यहाँ से इसे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेट ऑन लॉक स्क्रीन। इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने वॉलपेपर को चेंज करा सकते हैं। ये आपका आफ्टर लॉक स्क्रीन है चेंज। अगर आपको दोनों जगह चेंज कराना हो तो वो आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। हम फिर से सेटिंग में जाएंगे और वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे, माई वॉलपेपर पर जाएंगे और यहाँ से आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं देखने के लिए बहुत सारे। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं सेट। यहाँ से होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, लॉक एंड होम स्क्रीन दोनों पर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। आप सेट एज पर कर देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन के अंदर हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर वॉलपेपर को चेंज करा सकते हैं। देख सकते हैं हमारा फ़ोन के अंदर वॉलपेपर चेंज हो चुका है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर वॉलपेपर को चेंज करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड।